गाइज, अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को अपने लैपटॉप या पीसी पर शेयर करना चाहते हैं या कास्ट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को अपने पीसी से कनेक्ट कर सकते हैं बिना किसी डाटा केबल के। और इसके लिए आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच करना है और जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा उसे फॉलो करना है। तो इस काम को करने के लिए हम विंडोज के एक इनबिल्ट फीचर का यूज करेंगे जिसका नाम है वायरलेस डिस्प्ले। तो सबसे पहले हम इस फीचर को अपने पीसी पर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको सेटिंग को ओपन करना है। तो यहाँ पर मैं अपने पीसी की सेटिंग में आ चुका हूँ। सेटिंग में आने के बाद आपको क्या करना है, सिस्टम का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसमें आपको जाना है। सिस्टम में आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रोजेक्टिंग का जो फीचर है वो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर आपको वायरलेस डिस्प्ले फीचर को ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपको ऑप्शनल फीचर्स में जाना है। अब यहाँ पर नीचे आपको कुछ फीचर्स देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी आपके पीसी में इंस्टॉल है। अगर आप किसी भी नए फीचर को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको व्यू फीचर्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप फीचर्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे वायरलेस डिस्प्ले मिल गया है। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करेंगे तो आपको वायरलेस डिस्प्ले मिल जाएगा, इससे आपको चेकमार्क करना है। इसकी साइज आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2.6 MB इसकी साइज है। आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको ऐड पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वायरलेस डिस्प्ले फीचर है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है। तो इसे आपको सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। इसमें आपको एक इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी, तो आपको अपने पीसी को इंटरनेट से कनेक्ट रखना है। विदाउट इंटरनेट ये इंस्टॉल नहीं होगा। तो गाइज, वायरलेस डिस्प्ले फीचर यहाँ पर मेरे पीसी में इंस्टॉल हो गया है। चलिए मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वायरलेस डिस्प्ले फीचर ऐड हो गया है। तो इस फीचर को इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, अगेन आपको सिस्टम के अंदर जाना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे और प्रोजेक्टिंग टू दिस पीसी में जाएंगे। यहाँ पर देखिए गाइज, इस फीचर को इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग्स करनी है। इसके अंदर आपको अवेलेबल एवरीवेयर रखना है, उसके बाद फर्स्ट टाइम ओनली आपको रखना है। उसके बाद अगर आप प्रोजेक्टिंग के टाइम पिन रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज आप नेवर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं पिन रखूंगा क्योंकि मुझे आपको दिखाना है। एंड यहाँ पर आपको ये सेटिंग मिलेगी, इसे आपको ऑफ रखना है। ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आपको लॉन्च द वायरलेस डिस्प्ले पर क्लिक करना है। तो वायरलेस डिस्प्ले यहाँ पर लॉन्च हो गई है सक्सेसफुली। अब आपको अपने मोबाइल के अंदर कुछ सेटिंग्स करनी है। तो यहाँ पर हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, नोटिफिकेशन बार में जाना है और यहाँ पर नोटिफिकेशन बार में आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट मिररिंग का। यहाँ पर आपको स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन भी मिल सकता है। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको टॉप में एक पेंसिल दिखाई देगी, इस पर आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पर नीचे आपको वो ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसे आप यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है स्क्रीन मिरर, ऑफ स्क्रीन मिरर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इसके अंदर आपको जाना है। यहाँ पर आपको कनेक्ट टू ए मिररिंग डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको जाना है। उसके बाद जितने भी डिवाइस स्क्रीन मिरर करने के लिए अवेलेबल होंगे वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे अपने पीसी का नाम दिखाई दे रहा है तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर एक पिन दिखाई देगा, इस पिन को आपको अपने मोबाइल में एंटर करना है। पिन एंटर करने के बाद आपको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपके मोबाइल की स्क्रीन आपके पीसी पर कनेक्ट हो जाएगी। गाइज, अगर आपको पासवर्ड से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिना पासवर्ड के भी कर सकते हैं। गाइज, इस काम को करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल और पीसी एक ही इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी ये जो ट्रिक है वो काम करेगी, इसके बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी तरह से आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को अपने पीसी पर शेयर कर सकते हैं और बड़ी स्क्रीन पर मूवीज देख सकते हैं और गेमिंग करना चाहते हैं तो गेमिंग भी कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोज अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।